हाय फ्रेंड, आज हम बिहार पुलिस का क्लास टू लेके आए हैं। इसमें वर्न टू है, पहला वर्न बढ़ा चुका है, इसमें पूरा वर्न आज खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला रहता है। जैसे मान लीजिए का, तो का में भी आ जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितना है? तो 33 है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 हो जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। द्विगुण व्यंजन, जैसे अड़ा ढा को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब उच्चारण आ गया कंठ। कंठ का उच्चारण किस किस से होता है? तो कवर गला जितना भी है सब कंठ का उच्चारण है। जैसे क ख ग घ ड़ा, ये सब क ख ग है तो एक कवर्ग में आता है, तो ये सभी का उच्चारण कंठ से हो जाएगा। अब तालु, तालु चवर्ग वाला, च छ जो भी ज, तालु से हो जाएगा चवर्ग का। अब मूर्धा टवर्ग वाला, मूर्धा ट ठ ड ड, तो मूर्धा टवर्ग का हो जाएगा। और दंत तवर्ग का, त थ द ध ये सब। और ओष्ट हो जाएगा पवर्ग वाला, प फ ब भ म, इस तरह से आप इसको याद रखते हैं। कंठ होगा तो कवर्ग, और तालु चवर्ग, च छ ज ज, और मूर्धा ट ट ड ढ, और दंत से त थ जितना भी आता है तथा तथा में सभी आ जाएगा। अवोष्ट पवर्ग, प प भ भ म सब आ जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अघोष वर्ण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, अघोष वर्ण है ना, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन को अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे क खा गा है तो इसका पहला और दूसरा, तो पहला का हो गया और दूसरा खा, का और खा क्या हो जाएगा, तो ये अघोष वर्ण हो जाएगा। जैसे कोई सा भी ले लीजिए, च वर्ग में च छ ज झ न यह होता है, तो अघोष वर्ण बोलता है पहला और दूसरा, तो च हो जाएगा छ हो जाएगा इसमें। तो इस तरह हर वर्ग में पहला और दूसरा को अघोष वर्ण, तो इसको याद रखेंगे। ये सब एग्जाम में पूछा था अघोष वर्ण कौन सा है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो इसे का आपको याद रख, का खा इसमें हो जाएगा कवर गला में का खा, अच्छा वर्ग में छ छ, पहला दूसरा को अघोष वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट घोष वर्ण। घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो तो उसे घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे क ख ग में है तो तीसरा कौन हो जाएगा, ग घ और, तो ये तीनों घोष वर्ण है। अब पहला दूसरा अघोष वर्ण हो जाएगा, ये तीन वो है, ये सब घोष वर्ण। तीन चार पांच को अघोष वर्ण, तीसरा चौथा कोई सा भी चवर्ग में लीजिए या कवर्ग में लीजिए पवर्ग में लीजिए, सभी घोष वर्ण कहेंगे। तीन चार पांच को, जैसे ग हो गया, घ हो गया, अड़ा हो गया। अब अघोष वर्ण एक दो को, क ख को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, इसका मतलब हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन को अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन को, जैसे कखागा में पहला तीसरा पांचवा कौन सा, तो पहला ये हो गया और तीसरा और पांचवा, इसका मतलब क ग अड़ा, मुख से इसमें कम हवा निकलता है। जैसे क खा बोले, खा से ज्यादा हवा निकलता है, खा बोल के देखिए उसके बाद घ बोल के देखिए, इसमें ज्यादा हवा निकलता है, तो वो सब नहीं होगा। अल्प प्राण में अल्प माने छोटा, यानी कम हवा निकले, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अल्प माने छोटा होता है, तो अल्प व्यंजन जिसमें कम हवा निकलने तक, तो क ग अड़ा हो जाएगा। पहला तीसरा पांचवा व्यंजन को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे।
कवर्ग में टवर्ग में कोई सा भी हो, पहला तीसरा पांचवा को अल्पप्राण व्यंजन। नेक्स्ट महाप्रयाण, महाप्रयाण व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण से मुख से अधिक हवा निकले, हर वर्ग का दूसरा एवं चौथा व्यंजन, दूसरा एवं चौथा व्यंजन। तो इसका दूसरा इसमें कौन सा, ख हो गया और छोटा घ। जैसे बोल के देखिए, ख ख में ज्यादा हवा निकलता और घ है ना, क ग अड़ा में इसमें कम हवा निकलता, तो इसमें दूसरा चौथा जगह ख हो जाएगा और घ हो जाएगा, इसे महाप्रयाण कहते हैं। इसे मान लीजिए कोई सा भी चौथा ले लीजिए, जैसे च वर्ग में, जैसे च छ ज झ यह होता है, तो इसमें दूसरा चौथा बोलता है, तो दूसरा छ हो जाएगा और झ हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा महाप्रयाण व्यंजन। अभी एक दो, एक तीन और पांच को ये अल्प व्यंजन, अच्छा अच्छा को महाप्रयाण व्यंजन। इसको बोल के देखिए, छ ज्यादा हवा नहीं कर रहा, तो इसलिए दूसरा और चौथा को महाप्रयाण व्यंजन कहते हैं। इस तरह आप इसको याद कर देते हो। आज के लिए इतना ही, ये आजकल व्यंजन है वर्ण तो सभी समाप्त हो गया है, तो आप इसको याद रखेंगे शुरू से लास्ट तक देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।